बिगड़ते प्राकृतिक समीकरण के कारण मौसम का मिजाज कब बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। उसी तरह अमरावती में जहां ठंड के फुहारे पड़ने चाहिए थे वहां गर्मी के शोले पड़ रहे हैं, जिसके चलते मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। अक्टूबर का महीना शुरू होते ही कुछ ठंडी हवाएं चलने लगती है, लेकिन अमरावती में चिलचिलाती गर्मी का एहसास होने लगा है। कल से अमरावती सहित पश्चिम विदर्भ से मॉनसून पूरी तरह से विदा हो गया है। अमरावती में तापमान में अत्यधिक वृद्धि हुई है, तापमान 34 से 35 डिग्री तक चला गया है और आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि होने की संभावना है। ऐसे में सूरज की तपिश का एहसास होने लगा है। अमरावती के मौसम विशेषज्ञ अनिल बंड ने किसानों को सलाह दी है कि वे धूप में ज्यादा काम ना करें। गेल्या आठवड्यामध्ये झारखंडवर असलेले कमी दाबाचे क्षेत्र आता बांगलादेशकडे निघून गेल्यामुळे विदर्भावरील ढगाळ वातावरण निवडलेले असून राजस्थान आणि वायव्य भारतात प्रतिचक्राकार वारे निर्माण झालेले आहे, त्यामुळे मान्सून माघारी फिरण्यास सुरुवात झालेली असून काल मान्सून नागपूर अमरावतीसह पश्चिम विदर्भातून मान्सूनने माघार घेतलेली असून पुढील 2-3 दिवसात तो संपूर्ण महाराष्ट्रातून माघार घेण्याची शक्यता आहे। तसेच स्वच्छ सूर्यप्रकाश असल्यामुळे कमाल तापमानात थोडी वाढ झालेली असून गेल्या 2-3 दिवसापासून कमाल तापमान 34 ते 35 डिग्री सेल्सिअसच्या आसपास असून किमान तापमान 21-22 डिग्री सेल्सिअस आहे। परंतु सध्या जमिनीमध्ये ओलावा भरपूर असल्यामुळे तसेच व्हेजिटेशन असल्यामुळे बाष्पीभवन वाढलेले असून त्यामुळे उकाळा जास्त जाणवत असून त्यामुळे लोकांना उन्हात फिरताना त्रास होत आहे। त्यामुळे शेतकरी बांधवांना सल्ला देण्यात येत आहे की जास्त उन्हाच्या काळामध्ये शेतकऱ्यांनी सावलीत राहून कामं करावे, तसेच भरपूर पाणी प्यावे, अन्यथा डिहायड्रेशनमुळे चक्कर येणे वगैरे समस्या होऊ शकते।